वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ पनीर दो प्याज़ा, जिसका स्वाद बहुत ही अच्छा होता है। जैसे कि इसका नाम है पनीर दो प्याज़ा, तो इसमें जो हम प्याज डालेंगे वो दो तरह से डालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। हमें दो पेस्ट बनाना है, प्याज को अलग पीसना है और टमाटर काजू को अलग पीसना है। तो पहले हम प्याज को कुछ देर के लिए उबालेंगे। इसे एक ही उबाल आने तक उबालना है। प्याज को उबालने से प्याज का स्मेल चला जाता है और ग्रेवी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो आप इस रेसिपी में प्याज को उबाल कर ही पीसें। ये उबल चुका है, फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। मैंने 400 ग्राम पनीर लिया है, हमें इसे मैरिनेट करना है। इसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून दही। दही मैंने अच्छे से फेंट लिया था। 2 पिंच हल्दी, 2 पिंच के करीब लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर। सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब सबसे पहले हमें एक पैन गरम करना है, उसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून तेल। मैं यहाँ रिफाइंड ऑयल ले रही हूँ। इसमें हम मैरिनेट किए हुए पनीर को डालकर हल्का फ्राई करेंगे। पनीर को हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है और इसे बहुत ही हल्के हाथों हमें पलटना है ताकि ये टूटे नहीं। अब ये फ्राई हो चुका है, इसे हम हटा देंगे। अब हम दूसरी कढ़ाई लेंगे, उसमें 3 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा। प्याज का जो मैंने पेस्ट बनाया था ये हम डाल देंगे। हम तब तक भुनेंगे जब तक प्याज का कलर थोड़ा ब्राउन ना हो जाए। देखिए प्याज भी हमारा ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे भी थोड़ा भून लेंगे। अब हमें सारे मसाले ऐड करने हैं, तो मैं इसमें डालूंगी 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। नमक या आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। सभी मसालों को मिक्स करते हुए कुछ देर के लिए भुनेंगे। अब मैंने जो टमाटर और काजू पीसा था इसे भी डाल देंगे और कुछ देर हमें इसे भुनना है। चुटकी भर हम चीनी डाल देंगे इसमें। चीनी डालने के बाद थोड़ा हम चला लेंगे। मसाले हमारे अच्छे से भुन चुके हैं। अब हम इसमें शिमला मिर्च और मोटा कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। आधा कप के करीब हम पानी ऐड करेंगे ताकि सारी चीज अच्छे से मिक्स हो जाए मसाले में। अब 2 से 3 मिनट के लिए हम ढक्कन लगाकर इसे पकने देंगे। सारी चीज अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और देखिए किनारे से तेल भी छूटने लगा है। अब हम 1.5 गिलास पानी डालेंगे। अब हम लास्ट में पनीर डालेंगे। थोड़ा कसूरी मेथी को हम क्रश करके डालेंगे और थोड़ा सा डालेंगे हम धनिया की पत्ती और सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1/2 टीस्पून हम इसमें गरम मसाला डालेंगे
और ढक्कन बंद कर हम 2 से 3 मिनट इसे पकने देंगे। ढक्कन हटाकर अब हम देख लेंगे, बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है और तेल भी ऊपर अच्छे से आ चुका है। अब फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और 1 टीस्पून बटर डालेंगे, जिससे इसका टेस्ट और भी अच्छा है। अब इसे हम निकाल लेंगे सर्विंग बाउल में। तो ये थी मेरी आज की रेस्टोरेंट जैसे स्वाद वाली पनीर 2 प्याजा की रेसिपी। आई होप आप लोग को अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। फिर मिलेंगे एक और अच्छी रेसिपी के साथ।